कभी आपने सोचा है कि न्यूज़पेपर में आने वाले इन एड्स का भी कुछ बन सकता है? अगर आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को थोड़ा सा जगाएं तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। और अभी तक आप गैस नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पूरा देख लेना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मधु। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं न्यूज़पेपर में आने वाले एड से कीरिंग। और इससे जो कीरिंग बनेगा ना, वो इतना ज़्यादा सुंदर है और यूनिक है कि आपको वो खुद ही बहुत पसंद आ जाएगा और आप सोचोगे कि मैं दो चार और बना लूं और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी गिफ्ट कर दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पेपर ले लिया है। अगर आपके पास इस तरह का पेपर नहीं है, वैसे तो ये सबके घरों में आते ही हैं और हम इनको रद्दी में या डस्टबिन में ही डाल देते हैं, लेकिन अगर नहीं भी है तो आप कोई भी जो मैगजीन के पेपर होते हैं, जो चिकने होते हैं ना, या फिर कैलेंडर के पेपर हो गए, उनको भी आप लेके इस तरह से यूज कर सकते हैं। और जो इसमें प्रिंट्स बने हुए हैं उसकी चिंता करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जब वो बीड बनके तैयार होगा तो वो बहुत ही अपने आप में खूबसूरत लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पेपर पर जितनी भी लेंथ का आपको बीड बनाना है ना, उस लेंथ को मार्क कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के निशान लगाए हैं और इसी तरह से मैं नीचे भी 2-2 सेंटीमीटर के निशान लगा लूंगी। तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक प्लेन पेपर पर भी समझा दूंगी। तो इस तरह से पूरे पेपर पे हम निशान लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है कि अभी हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको हम नीचे वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो हमें यहाँ पर ट्राइंगल बनाना है। और ये ट्रायंगल मैं किस तरह से बना रही हूँ आप वीडियो देख के इसको फॉलो कर सकते हैं। और इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। अब ये देखिए, ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ दूसरा निशान भी लगा दिया है और इसी तरह से ये पैटर्न हम फॉलो करते जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ मैंने प्लेन पेपर पर निशान लगा लिए हैं और मैंने ये थोड़ा सा हार्ड पेपर लिया है जिससे कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बीड भी बना के मैं दिखा सकूं। तो यहाँ पर मैंने 3-3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है और जो पहले वाले लिए थे उसमें मैंने 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा था। और अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला दूंगी। तो यहाँ भी हमें ट्राइंगल ही बनाना है और इस तरह से आप ट्राइंगल को बनाते जाइए। जब भी आप पेपर से बीड्स बनाएं ना, तो हमेशा ध्यान रखें कि पेपर चिकना होना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये एड्स के पेपर लिए हैं, या फिर मैगजीन वगैरह की जो पेपर होते हैं वो भी काफ़ी चिकने होते हैं। तो इस तरह के पेपर लेने से जो हमारा बीड्स बनता है उसमें काफ़ी ज़्यादा शाइन भी आती है और वो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग भी बनता है। अब देखो, कुछ इस तरह से हमें यहाँ पैटर्न बनाने हैं और इनको सीजर की हेल्प से हम कट कर लेंगे। तो देखो, पहला ट्राइंगल हमारा ये बन गया और अब इस तरफ से हम कट करेंगे तो एक ट्रायंगल हमारा ये निकल के आ गया। इसी तरह से हमें सारे ट्रायंगल्स को बना लेना है। यहाँ पर सारे ट्रायंगल्स को मैंने कट कर लिया है और इसी तरह से हमने जो पहले वाले पेपर पे निशान लगाए थे उसको भी कट कर लेंगे। तो देखो, ये पिज्जा का एड है और हमारा बीट्स जो है ना, वो पिज्जा वाला बीट्स बनने वाला है। तो चलो देखो, अभी यहाँ पर मैंने एक स्टिक ली है और इस स्टिक को कुछ इस तरह से हम रोल करते जाएंगे। और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस आप इसको इसके ऊपर रोल करते जाइए और पूरा रोल होने के बाद मैं किसी भी ग्लू से आप इसे चिपका दीजिए। अच्छा, बीड्स की जो मोटाई है ना, वो डिपेंड करेगी कि आपने कितनी लंबी स्ट्रिप को कट किया है। अगर आप ज़्यादा लंबी स्ट्रिप रखेंगे तो आपका बीड्स उतना ही मोटा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने पूरी तरह से इसको फोल्ड कर लिया है और अब ग्लू की हेल्प से मैं इसे चिपका दूंगी। यहाँ पर ग्लू आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और मैं यहाँ पर B7000 ग्लू यूज़ कर रही हूँ। पहले तो मैंने फेविकॉल ही लगाया था, बट ये इसका जो सरफेस है ना, वो चिकना है तो वो उतने अच्छे से नहीं चिपक पाया था। तो B6000 ग्लू मैंने यहाँ यूज़ किया है और ये बहुत आसानी से चिपक गया। और ड्राई होने के बाद मैं ये देखो, कुछ इस तरीके का लग रहा है ये। और इसके जो पिज्जा का प्रिंट था ना, वो देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल बोहो वाले बीड्स बनके हमारे तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रिप मैंने और कट की है, तो थोड़े थोड़े डिफरेंट स्टाइल के बीड्स आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक और डिफरेंट साइज की स्ट्रिप कट की है, जिसकी जो ऊपर की चौड़ाई है ना वो 3 सेंटीमीटर है और जो उसकी लंबाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा जो
बीड्स है ना, वो थोड़ा सा लंबा बन के तैयार होगा। और ये देखो एक और डिफरेंट शेप का बीड हमने बना लिया है, ये थोड़ा लंबा है। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको कुछ कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और जो साइज है वो आपको दिखा सकूँ। और देखो ये भी कुछ नहीं पता चल रहा ना कि इस पे क्या प्रिंट बना हुआ था क्या नहीं। तो यहाँ पर एक और टाइप का हम बनाएंगे जिसकी जो चौड़ाई है ना वो मैंने 1 सेंटीमीटर ली है और लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके बाद इसको भी फोल्ड करते जाएंगे और ग्लू से चिपकाने के बाद देखते हैं कि ये हमारा बीड किस तरह का बन के तैयार हुआ है। और अब इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं तो एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं कि पेपर को थोड़ा मोटा लेते हैं। तो जो सैम्पल पेपर पे मैंने आपको कट करके दिखाया था वो थोड़ा सा मोटा और हार्ड पेपर है, तो उससे भी हम बीड्स बना रहे हैं। तो इसे जो बीड्स बन के तैयार हुआ ना वो थोड़ा सा और की अपेक्षा मोटा था। तो अगर आपको मोटे बीड चाहिए तो आप उस हार्ड शीट ले सकते हैं, और अगर आपको पतले चाहिए तो आप कोई भी पेपर टाइप का स्टफ रख सकते हैं। तो चलिए बातें करते करते हमने काफी सारे बीड्स बना लिए हैं और देखो ये कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल बोहो हैंडमेड बीड्स लग रहे हैं। और कहीं से भी लग रहे हैं कि ये पेपर से हैं या पेपर में जो एड आते हैं उनसे बने हुए हैं। तो अब इनको वाटरप्रूफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लिया है, और जिसमें थोड़ा सा ग्लिटर भी पड़े हुए हैं। अगर ग्लिटर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लिटर से बस थोड़ी सी शाइन आ जाती है। और इस तरह से मैंने स्टिक में ही इनको इंसर्ट कर दिया है और अब इनको यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगी। और अब कुछ बीड्स के ऊपर मैं यहाँ पर अपनी एक फेवरेट नेल पेंट यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें स्काई ब्लू कलर के ग्लिटर हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो देखो नेल पेंट लगने के बाद में ये कितने शाइन कर रहे हैं और कितना ज़्यादा सुंदर इसका इफेक्ट आ रहा है। तो इसी तरह से हम सारे बीड्स पर इनको अप्लाई कर लेंगे। अब देखो बीड्स तो हमारे बन के तैयार हैं और इनसे आप बहुत कुछ चीज़ें भी बना सकते हैं। हम इनसे ब्रेसलेट बना सकते हैं, नेकलेस भी बना सकते हैं, और की रिंग तो मैं बना ही रही हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद में कैसा लगता है। तो देखिए गाइस कितना ब्यूटीफुल सा की रिंग बन के तैयार हो गया है। मैंने कुछ बीड्स के साथ में इसको अटैच कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर मुझे ये लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है ना बोहो वाला, जैसे बोहो थीम से रिलेटेड कुछ बनाया है वैसा कुछ लग रहा है। आप इसे पर्स में हैंग कीजिए या दोस्तों को गिफ्ट कीजिए, उनको काफी पसंद आने वाला है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में। टड़ा।